Hi everyone, welcome to my grammar class. I am Nihar Ranjan Nanda. आज हम noun के बारे में दिखेंगे. तो पहले से दिखते हैं. Word used as name of a person, place or things. तो noun क्या है? Noun एक ऐसा word है, ऐसा शब्द है जो कि कोई एक आदमी का नाम हो सकता है, कोई एक जगह का नाम हो सकता है या कोई एक चीज़ का नाम भी हो सकता है. ठीक है, अभी दिखेंगे types of noun. Noun कितने तरह की होते हैं और noun का प्रकार क्या है. तो पहला proper nouns, proper noun के बारे में दिखेंगे. Word used as name of a particular person, place or thing. तो proper noun किसको कहते हैं? Proper noun एक ऐसा शब्द है जो कि कोई एक particular आदमी, particular जगह या particular चीज़ के बारे में बताता है. ठीक है, जैसे कि एक पर्टिकुलर आदमी बोलूँगा राम, ए पर्टिकुलर प्लेस न्यूयॉर्क, ए पर्टिकुलर थिंग्स सॉयल यानी मिट्टी. तो ये क्या प्रॉपर नाउन. अभी देखेंगे कॉमन नाउन्स क्या है. नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड. तो कॉमन नाउन उसको कहते हैं जबकि नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम क्लास और काइंड. तो एक ही क्लास का, एक ही श्रेणी का कुछ नेम्स, पर्सन का नाम हो सकता है या कोई चीज़ का नाम हो सकता है एक ही श्रेणी का और एक ही तरह का, तो उसको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिखेंगे बॉय. मैंने बॉय कहा तो बॉय का मतलब ये सारे जितने सारे बालक है सबको समझाया. मैं कोई पर्टिकुलर बालक का नाम लिया क्या? नहीं, मैंने सिर्फ बॉय कहा, मतलब जितने सारे बालकों हैं सब. लेकिन मैं कहूँगा राम, राम एक बॉय है, तो राम जो पर्टिकुलर बॉय का नाम है इसीलिए वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. तो प्रॉपर और कॉमन नाउन के बीच में तफात क्या है, देखो ट्री, ट्री एक कॉमन नाउन है क्योंकि ट्री मैंने जब कहा तो सारे जितने सारे पेड़ है सब पेड़ को ये समझाया. लेकिन जब हम पर्टिकुलर ट्री की बात करूँगा, पर्टिकुलर पेड़ की बात करूँगा, जैसे कि बानियन ट्री, टमारिन ट्री, मैंगो ट्री, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर पेड़ का नाम है इसीलिए ये प्रॉपर नाउन में आएंगे. लेकिन सिर्फ पेड़ पेड़ कहूँगा, मतलब ट्री कहूँगा, तो ये कॉमन नाउन होता है. ऐसे राजा यानी किंग, किंग क्या है? कॉमन नाउन से. लेकिन मैं किंग का नाम लूँगा अभी अकबर, अशोका, तो ये सारे क्या हो जाएगा, ये सारे प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे. ठीक है, और वैसे टाउन, टाउन का नाम दिखेंगे. तो सिर्फ मैंने जब टाउन कहा तो सारे टाउन को समझाया, इसलिए टाउन कॉमन नाउन से. लेकिन पर्टिकुलर टाउन का नेम जैसे देवगढ़, ठीक है, राउरकेला, ये सारे क्या है, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, ये सारे प्रॉपर नाउन्स में आते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर टाउन का नाम है इसीलिए ये प्रॉपर नाउन के दायरे में आते हैं. लेकिन जब मैं टाउन, सिर्फ टाउन कहूँगा तो टाउन कॉमन नाउन है और कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये सारे प्रॉपर नाउन्स के दायरे में आते हैं. अब देखें कलेक्टिव नाउन्स क्या है. तो इसका नाम से पता चलता है कलेक्टिव यानी एक कलेक्शन यानी कुछ ग्रुप्स. तो नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन एज ए सिंगल होल. तो कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? जबकि कोई ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, कोई आदमियों का ग्रुप या कोई चीज़ों का ग्रुप को हम एक ही हिसाब से लेंगे तो उसको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. तो कलेक्टिव नाउन क्या है? नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन एज ए सिंगल होल. जो भी कोई आदमी या चीज़ों का नाम को हम एक ही ग्रुप में लेंगे तो उसको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. जैसे क्राउड, क्राउड का मतलब क्या है? भीड़. तो ये तो एक ही आदमी से भीड़ नहीं बनता, कुछ ही आदमी होते हैं जो कि एक भीड़ बनाते हैं. आदमियों, कुछ आदमी इकट्ठा होंगे तो उसको हम क्राउड कहेंगे, एक क्राउड है ये. ठीक है, तो क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है. आर्मी, आर्मी ऐसे बहुत सारे सल्जर्स होते हैं तो बहुत सारे सल्जर्स को लेकर एक आर्मी फॉर्मेशन होता है, आर्मी बनता है, तो आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है. इस तरह टीम, टीम क्या है? जैसे कि अभी एक एग्जांपल देखें, क्रिकेट टीम की बात करेंगे. टीम कैसे बनता है? टीम कैसे बनता है ना, कुछ मेंबर्स को लेकर एक टीम बनता है. जैसे क्रिकेट टीम की बात करेंगे, 11 प्लेयर्स को लेकर एक क्रिकेट टीम बनता है, तो इसीलिए टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है. उस तरफ फैमिली, एक ही आदमी से फैमिली के होता है क्या? नहीं. तो एक फैमिली होने के लिए कुछ मेंबर्स को लेकर एक फैमिली बनता है.
ठीक है, इसलिए फैमिली एक कलेक्टिव नाउन्स है। उस तरह असेंबली भी एक कलेक्टिव नाउन होगा, कमिटी इज ऑल्सो एक कलेक्टिव नाउन। ओके अभी देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है। नेम ऑफ क्वालिटी स्टेट और एक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये क्या है, नेम ऑफ क्वालिटी स्टेट और एक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या चीज का क्वालिटी यानी गुण, स्टेट यानी अवस्था और एक्शन यानी कार्य को समझाता है। ठीक है, तो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वो आदमी या चीज का गुण, अवस्था और कार्य को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि गुडनेस यानी अच्छाई, ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस, दयाभाव, वो भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देन स्लेवरी यानी गुलामी और दास्ता, वो भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे पॉवर्टी यानी गरीबी और निर्धनता, वो भी एक पॉवर्टी वो भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफ्टर, हंसी, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थिफ्ट यानी चोरी, ये भी तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड यानी बचपन और बाल्यावस्था, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड जो चाइल्डहुड है वो एक स्टेट को समझाता है, एक अवस्था को समझाता है। उसका अवस्था क्या है, नहीं वो चाइल्डहुड बाल्यावस्था। ठीक है, तो इस तरह गुण, अवस्था और कार्य को एक आदमी और चीज का कार्य को, अवस्था को और गुण को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक खासियत है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन दूसरे नाउन से थोड़ा अलग है। जितने सारे नाउन से उनका फिजिकल बॉडी होता है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फिजिकल बॉडी नहीं होता। तो हमको कैसे पता चलेगा ये वाला अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फिजिकल बॉडी नहीं है, उसको हम छू नहीं सकते। वी कैन नॉट टच इट, हम उसको छू नहीं सकते, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वालिटी को, गुण को महसूस कर सकते हैं, स्टेट यानी अवस्था को महसूस कर सकते हैं, एक्शन यानी कार्य को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको छू सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए इसका फिजिकल बॉडी नहीं है, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये इसको सिर्फ हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या है? नेम ऑफ मैटेरियल्स आउट ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड। तो जो मैटेरियल नाउन है तो वो क्या है, तो वो ऐसा मैटेरियल है, ऐसा चीज़ है जिससे कि दूसरे, जिनसे कि दूसरे चीज़ें बनाए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल लूँगा, आयरन, लोहा। तो लोहा से तो बहुत सारी चीज़ें बनाया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई ये चीज़ लोहा का है, लोहा से बनाया गया है, कहते हैं। नहीं मतलब वो जो चीज़ बनाया गया है वो किस मटेरियल से बनाया गया है, नहीं लोहा से बनाया गया, इसलिए लोहा जो है, लोहा एक क्या है, मटेरियल नाउन है। उस तरह वुड यानी लकड़ी, लकड़ी भी एक क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। क्योंकि जब हम देखते हैं टेबल, लकड़ी का टेबल, लकड़ी का चेयर, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ये लकड़ी का चेयर है, ये चेयर है, ये टेबल है। लेकिन ये टेबल कैसे बनाया गया है, नहीं लकड़ी का, मतलब लकड़ी से बनाया गया है, इसे लकड़ी यानी वुड एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, इसे गोल्ड, सोना, जितने सारे हम गहने पहनते हैं, ठीक है, स्त्रियां जो गहने पहनते हैं, ज्वेल्स, जितने सारे गहने, क्या क्या, रिंग हो या कुछ भी गोल्ड से बनाया गया चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। गोल्ड को, क्यों, गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बनाया जाता है, नेकलेस हो, रिंग हो, कुछ भी। ठीक है, तो वैसे ऊल से गर्म कपड़े बनते हैं, तो गर्म कपड़े बनने के लिए ऊल का ज़रूरत होती है, तो ऊल एक मटेरियल है। ठीक है, उसका बेसिक मटेरियल, तो ऊल एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, वैसे ब्रॉन्ज से गॉड और गणेश की मूर्तियाँ बनती है। ठीक है, इसीलिए ब्रॉन्ज एक मटेरियल नाउन्स होगा, क्योंकि ब्रॉन्ज से बहुत सारी चीज़ें बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसका मूल क्या है, ब्रॉन्ज। कोई भी एक चीज़ का जो मूल होता है, यानी वो किस चीज़ से बनाया गया है, ठीक है, उसको मटेरियल कहते हैं। क्ले यानी कीचड़ से तो भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनते हैं, गणेश और गौर की। तो क्ले क्या है, क्ले एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो फिर से दिख लेते हैं हम मेटल नाउन, अभी दिखे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, जो कि कोई एक क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, कोई गुण को, कोई एक अवस्था को या कोई एक कार्य को जो समझाता है आदमी का, तो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और ये भी कह चुका हूँ कलेक्टिव नाउन क्या है। और
कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे दोनों के बीचों में जो डिफरेंस है वो तो मैं भी बता चुका हूँ, शायद आप समझ गए होंगे। जैसे कि और फिर एक बार फिर कह देता हूँ, देखो जैसे कि कॉमन नाउन कब कहेंगे और प्रॉपर नाउन हम कब कहेंगे। किंग का बात मैंने किया था, तो किंग राजा, तो जब मैंने कहा किंग कहा तो आप क्या समझते हैं, जब हम किंग कहता हूँ मतलब तो राजा समझते हैं, कौन सा राजा, पर्टिकुलर राजा का नाम समझते हैं क्या? नहीं, सिर्फ राजा यानी जितने सारे राजाएं हैं सब राजाएं को समझाता है, लेकिन मैं पर्टिकुलर नाम लूंगा भी, अकबर, राणा प्रताप, अशोका, ठीक है, तो ये सारे प्रोपर नाउन हो जाएंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर राजाओं का नाम है। लेकिन किंग जो है वो है कॉमन नाउन, किंग कॉमन नाउन, अशोका प्रोपर नाउन, उस तरह ट्री है कॉमन नाउन, बनियान ट्री प्रोपर नाउन, ठीक है, टाउन कॉमन नाउन, कलकत्ता, देवगढ़, ये सारे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। टू गेट मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।